नींद में बात करना, जिसे सोमनीलोकी के नाम से भी जाना जाता है, एक आम नींद विकार है जिसमें व्यक्ति सोते समय अनजाने में बात करता है। यह समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है और उनके साथ सोने वालों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता, थकान या नींद की अन्य गड़बड़ियाँ। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ देसी उपायों को अपना कर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। BHU के आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर और नींद विकारों के जानकार सुशील कुमार वैद्य ने इस समस्या के लिए कुछ देसी समाधान बताए हैं। तुलसी की, हमारा माता का जो उपयोग बताया गया था, तो तुलसी को माता की तरह कहा गया और तुलसी का इम्यूनाइजेशन में भी कहा गया कि क्वार महीने में अगर काली मरीज के साथ तुलसी यूज करते हैं तो पूरे साल बुखार नहीं आएगा। मतलब दोष को, जो कफ दोष हमारा है, कफ दोष को कम करने की तुलसी में एक असीमित, कफ का कम करने की तुलसी में क्षमता होती है। और कफ में वात का प्रकोप हो जाए तभी आपकी एक अनिद्रा की समस्या या बड़बड़ाने की समस्या आ सकती है। इसलिए तुलसी का सेवन हम कर सकते हैं। एक दूसरा आपका जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा हमारा भाव प्रकाश आदि के द्वारा कहा गया कि मानसिक रोगों में बहुत अच्छी हमारी काम करती है, इसलिए अश्वगंधा का उपयोग हम कर सकते हैं। अश्वगंधा का काम दो फायदा होता है, एक अच्छी नींद लाता है और दूसरा भार भी, वेट भी गेन करता है, वजन भी बढ़ाता है। तो दूसरा फैक्टर आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब आपके जो प्राण के ऑक्सीजन को बढ़ा देना, प्राणायाम पूरा जो आपका ऑक्सीजन का एम्पलीट्यूड पूरा आपका लेना, ऑक्सीजन की पूरी यूज होना शुरू हो जाए तो बॉडी में आपकी अच्छा खासा जो सेकंड पिलर हमारा नींद का कहा गया है, उस प्राणायाम के द्वारा हम आराम से पूरा उपयोग करा करके ठीक कर सकते हैं नींद को। और दूध का उपयोग जो स्पेशली दूध का होता है कि दूध का उपयोग आपका पेट साफ करता है और पेट सफा हर रोग दफा, स्पेशली गाय का दूध रेचक होता है तो पेट सफा हर रोग दफा जो हमारे पहले के कुछ प्रचार आता है, लेकिन उसमें एक अच्छा फायदा दूध का हो सकता है। और इन सब के लिए निद्रा के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण होती है कि शांत और सुकून स्थान। शांत और सुकून स्थान पे अगर आप सो रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर थक गया, मन थक गया और विषय आपको लेने के दिमाग में नहीं रह गई, तो आराम से हम अच्छी निद्रा को ले सकते हैं। और ये जो निद्रा में सपने, चूंकि जब हमारा पूरा नींद अच्छी नहीं होती है तभी लोग बबड़ाते हैं, सपने आते हैं उसमें, और उस सपने में वात का प्रकोप होकर बबड़ाने लगता है, तो उसमें हमारा ये उपयोग कर सकते हैं। साथ ही देसी गाय का घी नाक में अगर डालते हैं तो उस नाक में देसी घी के डालने से भी बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं।